और राजस्थान का इन्फ्लेशन 8.5% और असम का इन्फ्लेशन ओनली 4%। ये रिजर्व बैंक का डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिजर्व बैंक का डेटा से मैं बोल रहा हूं। आज राजस्थान का गरीब लोगों से 10 रुपया ज्यादा पेट्रोल का दाम लिया जाता है, 3 रुपया डीजल का दाम लिया जाता है और पावर का बिल भी आप लोगों से ज्यादा लिया जाता है। फिर मैंने सोचा कि कोई कारण में शायद हमारे वहां दाम ज्यादा होता है, उत्तर भारत में थोड़ा सा अलग होता है। फिर मैंने यूपी का साथ कंपेयर किया, फिर मैंने देखा यूपी में पेट्रोल डीजल का दाम हमसे भी कम है, मतलब राजस्थान का साथ यूपी और राजस्थान का पेट्रोल का कीमत का जो कंपैरिजन है कम से कम 13 रुपया का कंपैरिजन है, 13 रुपया राजस्थान का लोग ज्यादा पैसा देता है। अगर हमें आपको इजाजत देता है कि आपसे 10 रुपया में पेट्रोल से लूट लूं, 3 रुपया में डीजल से लूट लूं और उधर से ही मैं कमीशन खाने के लिए खाना का पैकेट खरीदना शुरू करो, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करे, अरे भाई ये तो पूरा पूरी कांग्रेसी टेक्निक है। मैं 22 साल पहले, मैं 22 साल कांग्रेस में रहा हूं, हर प्रदेश में चुनाव का पहले कांग्रेस कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम निकालता है और चुनाव का खर्चा उधर से ही निकाल लेता है। ये जो अन्नपूर्णा पैकेज है और गरीबों के लिए नहीं है, ये जो पैकेज है किसी का जेब बड़ा करने के लिए ही ये पैकेज निकाला जा चुका है। अगर आपको निकाला था 5 साल पहले, क्यों आपने नहीं निकाला? कोरोना समय में हर लोगों का खाने का प्रॉब्लम हुआ था, कोरोना काल में आपने क्यों ये अन्नपूर्णा पैकेज नहीं निकाला? जब हर लोग चाह रहा था कि सरकार मुझे कुछ दे, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का समय फ्री रेशन नहीं दिया है, कोरोना का समय से ही लोगों को बिना पैसा का रेशन दे रहा है। इलेक्शन है या इलेक्शन नहीं, चुनाव से गरीब कल्याण का संबंध नहीं होता है, चुनाव से गरीब कल्याण का संबंध नहीं होता है। 5 साल का स्कीम बनाया जाते हैं कि हम सरकार में आया और 5 साल में काम करूंगा और मेरा समय में इतना करोड़ गरीबों से मिडिल क्लास बनेगा। मैं गहलोत जी को प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप भारत का सर्व, आपका उम्र और आपका अभिज्ञता ये सब कुछ मिला के आप हमसे बहुत बड़ा है। मैंने 2.5 साल सीएम हुआ, आप 15 साल सीएम रहा, कि आपको ये दुख नहीं लगता है कि आप वोट के लिए लोगों को पैकेज देने का सिचुएशन हो जाता है? आपको तो राजस्थान का लोग ऐसे ही वोट देना चाहिए था, आप लोगों से डीजल से भी छुड़ाएगा, पेट्रोल से भी महंगा करेगा और वही पैसा का कुछ आप थोड़ा बहुत वहां रख देगा और बाकी पैसा आपका अपना काम के लिए आप खर्चा करेगा। भाई और बहनों, आज देश का सबसे अनमैनेज और सबसे बुरा हाल वाला प्रदेश तक राजस्थान अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को लेके गया है। भाई और बहनों, राजस्थान का चुनाव हुआ था, राहुल जी ने बोला था कि मैं 10 घंटी करो, 10 दिन में किसान का कर्जा मैं माफ कर दूंगा। किसी का माफ हुआ है कर्जा? किसी का हुआ है?